फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए RSCIT के 31 जुलाई 2022 को जो RSCIT का एग्जाम होने वाला है उसके लेसन नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में से लगभग लगभग दो क्वेश्चन आपको RSCIT के एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है वो RSCIT का, वो इंटरनेट का परिचय होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये खालिस्तान है मतलब किस किस चीज़ का उपयोग करके आप वर्ल्ड वाइड वेब पर विशेष विषय या किसी स्पेशल चीज़ को सर्च करना चाहते हो कर सकते हो। क्वेश्चन का जवाब होगा सर्च इंजन एंड इंडेक्सेज, भी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो सही मायने में आपका क्वेश्चन वैसे भी समझ में आ रहा है। देखो ASCSI, RAM ये नहीं है, दोनों ही DBA नहीं है। अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो P से शुरू होता है और B क्वेश्चन में TCP और IP है। TCP IP दोनों प्रोटोकॉल हैं, दोनों में P आया है, P4 प्रोटोकॉल होता है। सही जवाब होगा B क्वेश्चन का, TCP IP। नेक्स्ट आता है 3 नंबर, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए अगर आप चाहते हो, कोई वेबसाइट चला रहे हो या कोई भी पेज आपने ओपन कर रखा है और आप चाहते हो कि उसे भविष्य में मैं काम में लेना चाहता हूँ, फेवरेट में ऐड करना चाहते हो, तो उसका सही जवाब होगा D। आपको क्लिक करना होगा फेवरेट्स और उसके बाद ऐड टू फेवरेट्स, तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट फेवरेट में ऐड हो जाएगी और आप आसानी से उसे डायरेक्ट वहाँ से चला सकते हो। तो सही जवाब D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.mykcl.org, तो यहाँ पे जो .org लास्ट में यूज किया गया है ये क्या है। तो यहाँ पे जो .org यूज किया गया है तो उसका पूरा नाम, ORG का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल, इसका पूरा नाम है, और जो ये जिसके भी पीछे .org लगा होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट होंगी। तो सही जवाब होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैट सेवा को क्या कहा जाता है। एक लोकप्रिय जो चैट सेवा होती है वो होता है इंटरनेट रिले चैट। तो सही जवाब होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो को एरो किसको इंगित करता है। तो हम देखते हैं कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है। डायग्राम में जो दिया हुआ है, एक आपको www.google.com की वेबसाइट खुली हुई है, तो वहाँ पे जिस जगह www.google.com लिखा हुआ उसे क्या कहते हैं, तो वो जगह होती है एड्रेस बार, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वो एड्रेस बार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी। ईमेल भेजने के लिए हमें ईमेल एड्रेस, ईमेल पता चाहिए होता है। तो सही जवाब होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़े में विभाजित किया जा सकता है। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए यहाँ पे पैकेट्स बनाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी विषय पर सर्च करते समय किसका उपयोग करके जो सूचना प्राप्त करते हैं वो प्राप्त होती है और डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। सही जवाब होगा इसका A, एप्लेट्स नहीं है, इंडेक्स भी नहीं है, सर्च इंजन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं न्यूज, इसको कहते हैं न्यूज ग्रुप। अगर हम लोग इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर, कोई एक सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर है या फिर मौसम है या फिर साइंस है, किसी भी एक टॉपिक पे यदि आप इंटरनेट पे भी चर्चा करते हो उसे कहा जाता है न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट होता है 12, DNS का तात्पर्य, DNS मतलब होता है DNS का पूरा नाम क्या है। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, सही जवाब होगा A। 13 नंबर है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त सभी कर सकते हैं, इंटरनेट से हम ईमेल भेज सकते हैं, A सही है। ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, सही है। और लास्ट में लिखा है D, उपरोक्त सभी, तो जवाब होगा D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, .gov, .edu, .mil, .net
ये सभी क्या एक्सटेंशन को कहते हैं, जितने भी एक्सटेंशन दिए हुए हैं सभी को हम कहते हैं डोमेन कोड्स, जो वेबसाइट में .gov.edu.mil.net जो लगता है या .com जो लगता है, ये सब डोमेन कोड्स होते हैं। सही जवाब होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप वायरलेस नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिट करते हो तो आपको एक रेडियो चैनल से भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, तो ए सही है। माइक्रोवेव से भी कर सकते हो, बी भी सही है। इंफ्रारेड से भी कर सकते हो, सही है। तो इसका मतलब डी जवाब होगा, उपरोक्त सभी। इंटरनेट खाली स्थान किसके नाम से प्रसिद्ध है? इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है, तो सही जवाब होगा सी, इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे है। क्वेश्चन नंबर 17, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं और एक साइट से दूसरी साइट पर जाना चाहते हैं तो उसे नेविगेशन कहा जाता है या नेविगेटिंग कहते हैं, सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपूर्ण ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 शीर्षक, नंबर 2 संदेश और नंबर 3 हस्ताक्षर, सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट है, स्पैम क्या होते हैं या स्पैम होते हैं? स्पैम एक अनचाहे संदेश होते हैं जिनको हम लोग नहीं चाहते फिर भी हमारे पास आ जाते हैं। ये मैसेज भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकती हैं। जो प्रचार प्रचार वाली मेल होती है, एक जैसे मेल बार बार हमारे पास आती है, उन्हें स्पैम कहते हैं, सही जवाब में होगा बी, महत्वपूर्ण संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, खालिस्तान एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है, जब हम कोई ईमेल भेजते हैं और उस ईमेल में यदि हम कुछ भेजना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट के माध्यम से हम लोग उसे भेज सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अटैचमेंट होगा, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या, मुख्य उपयोग क्या है? इंटरनेट का मुख्य उपयोग संचार, कम्युनिकेशन, ये भी सही है, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ए बी सी सही है, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा क्या आवश्यकता है? अगर एक यूजर इंटरनेट चलाना चाहता है, इंटरनेट तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए इंटरनेट सेवा ISP चाहिए। जैसे आप किसी भी मोबाइल में अपनी सिम जो यूज करते हो, उस जियो, वोडाफोन, ये सभी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको चाहिए वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, ये भी चाहिए, तो सही जवाब डी होगा, उपरोक्त सभी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर जो 4 है इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर से कम 2 क्वेश्चन आपको RSCIT के 31 जुलाई 2022 के एग्जाम में मिलने वाले हैं, इससे आपको बड़ी आसानी होगी पास होने में। मैं आपको 15 वीडियो देने वाले हूँ, 15 वीडियो में से 2-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 4 के बाद नेक्स्ट वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाए, और सभी क्वेश्चन आपको लगभग 200 से 250 क्वेश्चन होंगे और आप आराम से पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर हम लोग की बात करें तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक ऐप होता है, तो इसका सही जवाब होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट होता है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है या मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सही जवाब में आएगा ए। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही जवाब ए होगा। RSCIT में कई कई बार एग्जाम आ चुका है, लगभग 2008 से आज तक कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन आया हुआ है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का पूरा नाम क्या है? WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, सही जवाब होगा डी, 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ईमेल का जो क्लाइंट है वो जीमेल होगा, मंत्रा नहीं है, राउटर नहीं है, टॉप लेवल डोमेन भी नहीं है। यदि इसके जगह पे कोई और होता है, वाईमेल, रेडिट मेल, याहू मेल, तो वो सभी भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिया गया है, तो इसका सही जवाब जीमेल होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेसन का, 4 नंबर लेसन का 29 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आपको किसका खाली स्थान जानना आवश्यक है? ईमेल भेजने के हमें ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, ईमेल पते की आवश्यकता होती है, सही जवाब होगा
बी। इस तरीके से फोर नंबर लेसन के अंदर लगभग 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन में से कम दो क्वेश्चन आपको आएंगे और दोनों क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आज ही, और आपको एक और 5 नंबर की वीडियो भी आज ही मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।